देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कक्षा 10वीं की गणित का महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये आपको परीक्षा में कम से कम 5 से 7 अंक जरूर दिलाएगा और उम्मीद करते हैं कि जिसने इस टॉपिक से संबंधित 2 से 3 वीडियो में देख ली, उसका एक नंबर का भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ये प्रश्न आपके 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके अतिरिक्त जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी में बैठने वाले हैं उनमें भी इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो ये प्रश्नावली सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे इसकी तैयारी करें, ध्यान से पूरा वीडियो देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। एक इसमें कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या व 45 अंश कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक दो प्रश्न मैं आपको चित्र सहित समझाऊंगा और उसके बाद सारे प्रश्न आपको हम सीधे भी हल करवा सकते हैं। तो देखिए, अभी इसने कहा कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई, 14 सेंटीमीटर की हो गई, वह 45 अंश कोण वाले, तो ये जो कोण होगा कितना होगा, 45 अंश होगा और यहाँ से दूसरी त्रिज्या कर दीजिए, इसकी भी लंबाई कितनी, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, इसका मतलब आर का मान कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, और कोण का मान कितना हो गया, थीटा का मान 45 अंश। तो कहता त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपने त्रिज्याखंड का सूत्र पढ़ा था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें आपको सभी का मान रख देना है। थीटा का मान कितना था, थीटा का मान था 45 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 14/14। इसका आप कैलकुलेशन करिए कितना आएगा। जब आप हल करेंगे इसको तो 7 से 14 कट जाएगा। इसी प्रकार इन सभी का कैलकुलेशन करिए, 5 से काटिए, 5 9 45 और 5 7 35, 1 बचा 5 2 10, ये आ गया आपका 9 × 22 × 4, ये 9 हो गया, 22 हो गया, 9 22 4 और ये बचा 14 बटे कितना है, 72। यदि आप इसको हल करते हैं तो आपका आएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। इसमें कहता है वृत्त के एक चाप की लंबाई, देखिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक सूत्र बताया था वृत्त की चाप की लंबाई का, ये कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर है और केंद्र पर बना कोण कितना, 144 अंश है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr/360 गुड़े थीटा। यहाँ 2πr की जगह 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 भी रख सकते हैं और r का मान कितना है, r का मान आपको यहाँ पे दिया नहीं गया है, दिया है चाप की लंबाई दी गई है, केंद्र पर बना कोण r का मान दिया नहीं है और थीटा का मान है आपका 300, थीटा का मान है आपका 144, 144/360 और चाप की लंबाई दी कितनी गई है, 20π, तो 20π का मतलब इसको बराबर कर दीजिए, 20π = 2×22/7×r×144/360, इससे ये कट जाएगा क्योंकि दोनों पाई के मान हैं। अब इसका यदि आप कैलकुलेशन करेंगे पूरा तो हो जाएगा 20×360/2×144 = r। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कटेगा और r का मान आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर
उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, चाप की लंबाई का सूत्र ये होता है, इसको याद जरूर करिएगा। चाप की लंबाई बराबर 2πr/360 × θ। यहाँ पे चाप की लंबाई आपकी दी गई है, तो हमने लंबाई की जगह पे लंबाई रख दिया और यहाँ पर हमने सभी का मान रख दिया और पाई से पाई का मान काट दिया। जो बचेगा उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आर का मान निकल आएगा। यही पूछ रहा है यहाँ पर कि वृत्त की त्रिज्या बताओ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न कहता है, घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली सुई, ध्यान दीजिएगा घड़ी की यही सुई घूमने वाली है, जब ये सुई घूमेगी तो यही सुई बन जाएगी इसकी त्रिज्या। तो यहाँ पर आर दिया है आपका 14 सेंटीमीटर और उसके बाद कहता है सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1 मिनट में आप ध्यान दीजिएगा इस घड़ी को, ये घड़ी है आपकी, इसमें कितने का कोण बनेगा, ये बनेगा आपका आपका 90 अंश का, 90 अंश का कोण बना और मिनट कुल कितने होते हैं 15, तो 90 में आप 15 का भाग देंगे तो 15 × 90, तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा 6 अंश का बनेगा। कितना बनेगा, तो इसमें कहा कि घड़ी की लंबाई वाली सुई द्वारा 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा थीटा बराबर 6 अंश। ठीक है, अब कहता है रचित क्षेत्रफल द्वारा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका, त्रिज्यखंड का। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए सूत्र उसका, घड़ी की 14 सेंटीमीटर सुई, ये आपका क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, ए बराबर थीटा बटे 360 × πr² थीटा का मान आया 6, 360 की जगह 360 × π की जगह 22/7 × आर की जगह क्या रखेंगे 14 × 14, तो 6×6 = 36 और 0 आएगा। इसी प्रकार 7×14, ये आपका आएगा ए बराबर 22, ये वाला हो गया 2, ये वाला हो गया 14, ये वाला हो गया और बटे 60, ये वाला हो गया। इन सभी को आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हल करके देखेंगे आप, ये आपका आएगा 10.27 cm². इनसे इनको पूरे को हल करना है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। इसको पढ़िए, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त पर केंद्रित कोण 50 अंश है। ये क्या दिया गया है, थीटा का मान दिया गया है 50 अंश। कहता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है 5π दी गई है। तो कहता है चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चाप की लंबाई दी गई है, तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि त्रिज्या नहीं दी गई है, तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई की जगह हम लिखेंगे 5π और इसका सूत्र होता है 2πr/360 × θ। थीटा की जगह आप रख देंगे 50 अंश, पाई से पाई कटा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5×360, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आपका 5×360/2×50 बराबर आर। 0 से 0 कटा और 5×2 = 10 और 36×5 गुणा कर लीजिए कितना हुआ 5×6 = 30, 3 आया, 5×3 = 15, 16×17 = 18, 180/10 बराबर आर। तो 0 से 0 कटा तो आर का मान कितना आ गया आपका, आर का मान आया आपका 18 सेंटीमीटर। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 × πr² ए बराबर थीटा का मान कितना है आपका 50 अंश है, 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, कितना है 18 × 18
अब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, जीरो से जीरो काटिए, इनके बाद सभी को कैलकुलेशन करेंगे एक मान आपको निकल के आएगा 141.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम एक प्रश्न और देखते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपका कई बार आया हुआ है। इसमें कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग भी कह सकता है, इसके अतिरिक्त आपसे कह सकता है क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो कलरफुल भाग है मतलब जो क्रॉस लाइन है यही आपकी क्यारी है, यहाँ लगी है, तो ये तो क्यारी पूछ सकता है, ये तो कह सकता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आप ध्यान दे रहे होंगे कि एक वृत्त के यदि हम चार टुकड़े करें तो उनमें से एक टुकड़ा ही ये रखा है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये वृत्तखंड का चतुर्थ भाग या फिर आप कह सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चाहे आप मान लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड मानेंगे तो ये कोण 90 हो जाएगा, और वृत्तखंड मानेंगे तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। इसमें आप कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे पहले आप देखिए आर वन का मान है 21 और R2 का मान है 14। तो सबसे पहले आप बाहरी भाग का निकालिए क्षेत्रफल, बाहरी भाग का निकालिए, तो यहाँ लिखिए आप चतुर्थांश, चतुर्थांश फर्स्ट का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर बटे चार, क्योंकि चौथा भाग है तो पाई की जगह 22/7 रखिए, और आर वन क्या है, आर वन है आपके 21 × 21 और बटे में चार लिखा है तो चार लिख दीजिए। ये आपका निकला है क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, कौन सा, बाहरी वाला। इसी प्रकार सेकंड निकाल लीजिए आप, चतुर्थांश सेकंड का क्षेत्रफल, ये कह सकते हो अंदर के भाग का, तो पाई आर टू स्क्वायर बटे चार, तो पाई की जगह 22/7 और आर की जगह कितना होगा यहाँ पर 14 × 14 पाई आर स्क्वायर बटे चार। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा, 7 × 21 और यहाँ पर 7 × 14, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपका आएगा क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़े भाग को रखिए पहले आप, ये आ जाएगा आपका 22 × 3 × 21/4 माइनस 22 × यहाँ पर दो बार गया था ये दो रख देंगे 22 × 2 × 14/4। इसको आप कैलकुलेट करेंगे दोनों को, चाहे लासा लेके हल कर लीजिए, सॉरी लासा नहीं, चाहे आप हाँ लासा भी ले सकते हैं, चाहे आप लासा लेके हल करिए और चाहे आप 22/4 का कॉमन निकाल लीजिए, दोनों कंडीशन में आपको उत्तर आ जाएगा। यदि आप इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आप इधर से करेंगे कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे तो ये आपका आएगा कुल मिलाकर 192.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। तो सभी छात्र इस प्रश्न को जरूर हल करेंगे। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है, काटा गया है इसका, इसका मतलब ये हो जाएगा जिसका कोण, त्रिज्यखंड का कोण कितना है 150 है, ये कुछ इस प्रकार का होगा। ये मान के चलिए एक त्रिज्यखंड काटा गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है दोनों, बीच का कोण कितना है मान के चलिए 150 डिग्री है। कहता है इसके चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ की बीच की दूरी निकालनी है चाप की लंबाई, और इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करनी है। तो इसका दो सूत्र लगेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं
चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बटे 360 गुणे थीटा। तो 2 पाई आर की जगह 2 पाई की जगह 22 बटे 60 गुणे आर की जगह क्या होगा 21 गुणे थीटा की जगह 150 बटे 360 लिखा है, तो 360 लिख दीजिए। अब देखिए काट लीजिए, 7 3 21, 0 से 0 कटा, 3 से काटिए 36 को, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 12 आया, 2 से काट दीजिए 12 को, 2 6 12, तो कितना आ गया आपका 22 गुणे, 6 से काट दीजिए 15 को, ना कटेगा तो वैसे लिख दीजिए, ये आपका भी 22 आ गया और यहाँ आ गया 15 बटे 6, 2 3 6 और 2 से 11 को काट दीजिए, 3 5 15 आपका आ जाएगा, 11 5 55 सेंटीमीटर आ जाएगी चाप की लंबाई। आपको समझ में आ गया होगा 55 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ गई। इसके बाद में आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देख लेते हैं, क्षेत्रफल कह दीजिए चाहे कह दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 150 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान कितना है 21 गुणे 21, 0 से 0 कटा, 3 से काट दीजिए 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूने 6, यहाँ से काट दीजिए 7 3 21, 3 से काटिए 12 को, 3 चुको 12, ठीक है। ये से फिर से काटिए, 4 से काटिए, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ आ गया 11। अब देखिए कोई और कट रहा है, नहीं कट रहा है, अब आप इसे रख दीजिए। ऊपर कितना बचा, 5 और 11 और 21 बटे, यही क्या है 2, 2 लिख दीजिए। अब सबका गुणा कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए। जब सबका गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा आपका, इसका 11 25 55 और 55 का गुणा आप 21 में करिए, 21 में करने के बाद में जब आप भाग देंगे 2 का, तो ये आपका निकल के आएगा आपका आंसर 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और मिलते हैं हम इस अध्याय के शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो सभी छात्र अगले वीडियो को बिल्कुल मिस ना करिएगा। सभी छात्र जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे, सभी छात्र एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और एक छोटा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, या फिर आप उस टॉपिक की डिमांड करें जिस टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं। हम आपके कोर्स से संबंधित गणित के सारे वीडियो देने को तैयार हैं। थैंक यू।